हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों, यूं तो घूमना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जब मॉनसून यानी कि बारिश का मौसम हो तो घूमने का मज़ा दोगुना हो जाता है, क्योंकि इस सीज़न में मौसम और प्रकृति दोनों का ही रूप निखर जाता है, जिससे हमारे देश यानी कि भारत में स्थित पहाड़ों, नदियों, झरनों और झीलों में घूमने का मन हर किसी का करने लगता है। ऐसे में आइए अब जानते हैं इस मॉनसून में घूमने के लिए भारत के 10 खूबसूरत जगहों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने हुए बेल आइकन को देख रहे हैं ना, उसे जल्दी से क्लिक कर ले ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमसे जुड़े हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पा सके। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले लेह लद्दाख के बारे में। भारत में बारिश के मौसम में घूमने के लिए लेह लद्दाख सबसे अच्छी जगह है। यहाँ का खूबसूरत मौसम हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। लेह लद्दाख में प्रकृति का बिल्कुल असली रंग देखने को मिलता है। यह पर्यटकों का सबसे फेवरेट पर्यटन स्थल है। यहाँ की खूबसूरत पैंगोंग सो झील और ऊंचे पहाड़ लोगों को बहुत पसंद आते हैं। चलिए अब बात करते हैं गोविंद घाट के बारे में। गोविंद घाट पर्यटन के क्षेत्र में पवित्र स्थान माना गया है। यह अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब और उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की सबसे खूबसूरत घाटी को ट्रैकिंग के लिए प्रारंभिक बिंदु है। ऐसे में यह फूलों की घाटी भारत में मशहूर और शानदार जगहों में से एक मानी जाती है। खासकर मॉनसून के मौसम में यहाँ पर घूमना जैसे जन्नत की सैर करने जैसा होता है। आइए अब बताते हैं महाबलेश्वर के बारे में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के खूबसूरत पर्यटनों में से महाबलेश्वर भी बहुत ही खूबसूरत स्थान माना गया है। यह खूबसूरत शहर सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के समीप स्थित है। यहाँ पर हर साल भारी बारिश होने की वजह से यह लोगों के बीच और ज्यादा पसंद किया जाता है। महाबलेश्वर की हरियाली से लबालब मनोरम दृश्य पर्यटकों के दिल को काफी सुकून देता है। अब बात करते हैं गोवा के बारे में। मॉनसून में गोवा घूमने का मन तो हर किसी का करता है, आखिर यह जगह है ही इतनी खूबसूरत। वैसे तो गोवा में हर सीजन में काफी भीड़ होती है, लेकिन बारिश के मौसम में तो और ज्यादा ही यह जगह खूबसूरत हो जाती है। बारिश की फुहारों और ठंडी हवाओं में मस्त होकर यहाँ के बीच पर घूमना बहुत अच्छा लगता है। आइए बताते हैं आपको चिकमंगलूर के बारे में। चिकमंगलूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस शहर की हरियाली पूरे देश में मशहूर है। यहाँ मुल्यानगिरी चोटी के साथ ही हरी भरी कॉफी के खेत देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ बारिश भी काफी होती है, जिससे हरियाली का समागम काफी अच्छे से होता है। अब बात करते हैं पांडिचेरी के बारे में। बारिश के मौसम में पांडिचेरी घूमने का अपना अलग ही मजा है। यह देश के टॉप पर्यटनों के लिस्ट में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्थान है। यहाँ पर तट, स्मारक, खूबसूरत मंदिर, बीचेस आदि देखने में बड़ा आनंद आता है। यहाँ पर भी मॉनसून में देश के विभिन्न स्थानों से लोग आते हैं। अब बात करते हैं अराकू घाटी के बारे में। अराकू घाटी भी एक बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर घूमने के लिए हर कोई ललायत रहता है। हिल स्टेशन के रूप में जानी जाने वाली अराकू घाटी आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। पूर्वी घाट के खूबसूरत स्थलों के बीच स्थित खूबसूरत हिल स्टेशन पर घूमने के लिए हर उम्र के लोग आते हैं। यहाँ पर प्रकृति और संस्कृति का अनोखा संगम है। अब बात करते हैं चांदीपुर के बारे में। भारत की खूबसूरत जगह चांदीपुर में भी घूमकर आप इस बार मॉनसून को यादगार बना सकते हैं। चांदीपुर तट उड़ीसा राज्य के बालेश्वर शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कुसारेना के पेड़ों और रेत के टीलों का नजारा देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अब बात करते हैं दार्जिलिंग के बारे में। भारत के मशहूर पर्यटनों में दार्जिलिंग का नाम लिया जाता है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर चाय होने वाली चाय की खेती पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तथा प्रसिद्ध स्थलों में एक लोकप्रिय है। बारिश के मौसम में यहाँ पर काफी संख्या में लोग घूमने आते हैं। अब आखिर में बात करते हैं चेरापूंजी के बारे में। देश के लोकप्रिय जगहों में चेरापूंजी भी शामिल है। खासकर बारिश के मौसम में चेरापूंजी में जन्नत का एहसास होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी के नोह कलिकाई झरने के किनारे घूमने और टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि आप चेरापूंजी या फिर बाकी अन्य जगहों पर जो भी मैंने आपको बताया वहां जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, मॉनसून के मौसम में अपना बैग पैक कीजिए और निकल जाइए खूबसूरत वादियों की सैर करने। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।